नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, शिवपाल के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। अस्पतालों में आपने लूट खसोट की थी, हम रोज 5000 ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं, ये नकली समाजवादी हैं, अराजकता फैलाते हैं, ये कहा गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से। ये लाल टोपी वाले गुंडे हैं, ये समाजवादी नहीं अराजकतावादी हैं, हमारी सरकार में निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है। तो ये तमाम आरोप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से सदन के भीतर लगाए गए। हमने पूरी बात सुनी, माननीय सदस्य बोल दिया। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमने इसी पर बताई, एक आप लोग नहीं गया, मेरे को संचालन करते आप लोग चलाए। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं चाहते तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासन काल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है। और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं।